नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध और जल क्यों चढ़ाया जाता है। इन दो वजह से, साइंटिफिक रीजन पहला, जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनके नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है, उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर दूध और जल चढ़ाया जाता है। पहला तो ये रीजन है। दूसरा, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जब विष को अपने गले में धारण करते हैं तो उस विष की जलन को कम करने के लिए भगवान शिवलिंग को, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल का अभिषेक किया जाता है, ताकि वह उस दूध और जल से उनके जो गले में जो जलन होती है वो जलन कम हो सके। लेकिन क्या आपको पता है शिवलिंग के ऊपर शहद क्यों चढ़ाया जाता है? शहद ना तो उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत करता है और न ही कुछ करता है, लेकिन फिर भी भगवान शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाया जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन यह है और शास्त्रों में तो वही कहा गया कि भगवान जब विष धारण करते हैं अपने गले में तो भगवान शिव के ऊपर शहद चढ़ाया जाता है, शिवलिंग के ऊपर, ताकि उनके विष की गर्मी शांत हो। लेकिन साइंटिफिक रीजन अलग है। वैज्ञानिकों ने एक अलग रीजन माना है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर शहद क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए आप, शहद में क्या क्या गुण होते हैं ये देखिए आप। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि होते हैं। देखिए आप, शहद में ये सारी चीजें होती है। अब ये कार्य क्या करती है ये देखिए आप। शिवलिंग पर एक खास किस्म का कवच बन जाता है। जब शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाया जाता है, शहद का इनको अभिषेक किया जाता है, तो शिवलिंग के ऊपर जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम का आदि का एक तरह से शिवलिंग के ऊपर कवच बन जाता है। अब आप कहोगे सर उस कवच से क्या होता है? कवच से बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो कवच क्यों बनता है। देखिए आप, कवच बन जाता है, कवच क्या करता है ये देखिए आप। कवच शिवलिंग के पत्थर को शरण नहीं होने देता है। शिवलिंग का जो पत्थर होता है ना, शिवलिंग पत्थर के ही होते हैं, तो जो उस पत्थर को गिरने नहीं देते, कण 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 उसका शरण नहीं होने देते, मतलब उस शिवलिंग को छोटा होने नहीं देते हैं, पत्थर को घिसने नहीं देते हैं। ये शहद ये कार्य करता है। साइंटिस्ट शिवलिंग पर शहद चढ़ाने का ये रीजन देते हैं कि इसीलिए शहद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, ताकि शिवलिंग के ऊपर एक कवच बन जाए और शिवलिंग का जो पत्थर है वो कम न हो, उसका शरण न हो। वो वरना अगर आप डायरेक्ट दूध और जल बार बार रोज चढ़ाते जाओगे, रोज चढ़ो, तो पत्थर, वो जो शिवलिंग का जो पत्थर है, धीरे धीरे छोटा हो जाता है। लेकिन हर जगह आपने ज्योतिर्लिंग देखे होंगे, वर्षों से, पुराणों से वहाँ पर जल अभिषेक किया जा रहा है और भगवान शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा है, लेकिन वह पत्थर, शिवलिंग का जो पत्थर होता है, जैसा का जैसा है। क्यों? क्योंकि जब दूध और जल का अभिषेक करने के बाद में उनके ऊपर शहद भी चढ़ाया जाता है, और शहद चढ़ाया जाने के कारण शिवलिंग के ऊपर एक कवच बन जाती है, और उस कवच से शिवलिंग के पत्थर का शरण नहीं होता है, इसीलिए शिवलिंग पर शहद चढ़ाई जाती है। जल व दूध तो रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत करने का काम करते हैं। जल व दूध तो जो शिवलिंग के नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी है उसको शांत करने का काम करते हैं। लेकिन शहद का उपयोग शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। शहद का उपयोग, वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि शहद आखिर शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर शहद का अभिषेक क्यों किया जाता है, तो शिवलिंग के पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए शिवलिंग पर शहद चढ़ाया जाता है। तो आज आपने देखा कि साइंटिफिक रीजन क्या है कि शिवलिंग पर शहद का अभिषेक क्यों किया जाता है।